so many pieces all back together now. What's your vision? हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक यह है डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट। आपको पता है ये सारे जो टेस्ट यूज़ होते हैं वो यूज़फुल होते हैं कन्वर्जेंसी फाइंड करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। डी मॉर्गन टेस्ट का अप्लाई तब हम करते हैं जब हमारे पास डी एलम्बर रेशियो टेस्ट और रैप्स टेस्ट दोनों ही फेल हो चुके हों। किसी कन्वर्जेंसी चेक करते हुए वक्त जब आप डी एलम्बर भी लगाएंगे और रैप्स भी लगाएंगे और दोनों ही टेस्ट फेल हो जाएं, तब उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है डी मॉर्गन टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहती है, अगर आपके पास कोई सीरीज़ है यूएन जो कि पॉजिटिव टिप सीरीज़ होती है, तो वो कैसे फाइंड की जाती है। लिमिट आपको लेनी होती है एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन यूएन अपॉन यूएन प्लस वन माइनस वन में से माइनस वन करके बाहर से लॉग इन ले लेते हैं। अगर उसकी वैल्यू अगर एल की इक्वल आ जाती है तो वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। डाइवर्जेंट होगा अगर उसकी वैल्यू एक से कम होगी। और टेस्ट फेल जो हो जाएगा जब एल की वैल्यू वन हो जाएगी। इस चीज़ को बेटर वे में समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डॉट थ्री स्क्वायर टू स्क्वायर फोर स्क्वायर एक्स करके ऐसी आपको सीरीज दिख रही है। तो देखिए यहाँ से ऊपर में चल रहा है वन थ्री फाइव चल रहा है, हालांकि स्क्वायर है तो वो तो हमने स्क्वायर लगा लेंगे, लेकिन इसका अगर एन टर्म निकालें आप तो यहाँ पर ए के प्लस पे वन है और इनके बीच का डिफरेंस टू टू हो रहा है। तो एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी एन माइनस वन इंटू डी, उस फॉर्मूले से हमने टू एन माइनस वन मिल चुके हैं। तो हमारे पास यू एन क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर से आ जाएगा वन टू वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर यानी कि टू एन माइनस वन का स्क्वायर। और एक्स भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ टू है तो यहाँ एक है यानी कि अगर एन है तो यहाँ पर एन माइनस वन है तो एक्स आ जाएगा एन माइनस वन। फिर नीचे देखिए यहाँ पर टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर यानी कि टू एन का स्क्वायर। यू एन प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा आपका, एन के जगह पर आप क्या रख दीजिए एन प्लस वन। देखिए ये सीरीज तो प्रीवियस चली रही होगी, आपका जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर जब आप एन के जगह पर एन प्लस वन रखेंगे। प्रीवियस सीरीज को भी इंक्लूड करते हैं, नहीं तो ये सीरीज कैंसिल आउट नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ आने के बाद आपका ये तो मिल गया यू एन प्लस वन। अब आप क्या अप्लाई करेंगे, अब आपको पता थोड़ी ना होगा कि क्या डायरेक्ट फेल होगा, कौन सा अप्लाई करना है। आप तो सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, तो हम चलेंगे पहला रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको जो चाहिए होता है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, वो चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन जब आप करेंगे तो आपको कुछ ये कैंसिल आउट होगी, ये चीज़ बचेगी, ठीक है। और आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से जब आप अंदर इसके भी पावर टू है इसके भी पावर टू है तो अंदर से देखिए एन और इधर से भी एन कॉमन ले लीजिए, तो ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा। और इसको आप कुछ ढंग से लिख देंगे तो ये आ जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको एन के प्लस पर इन्फिनिटी रखनी होती है। जब यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखेंगे टू अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वन अपॉन इन्फिनिटी भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ वन अपॉन एक्स ही बचेगा। वो आप देख भी लीजिए कैसे बचेगा। तो जब अप्लाई करेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ से सॉल्व हो गए वन अपॉन एक्स बचेगा। तो एक्स तो वैल्यू क्या होगी हमें कुछ पता ही नहीं है, तो सारी की सारी जो टेस्ट डिपेंड कर रही है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है। यानी कि ये जो कन्वर्जन तब हो सकता है जब वन अपॉन एक्स की वैल्यू एक से बड़ी हो, यानी कि एक्स की वैल्यू एक से छोटी हो। डाइवर्जेंट होगी यानी कि वन अपॉन एक्स की वैल्यू एक से छोटी हो यानी कि एक्स की वैल्यू एक से बड़ी हो। और टेस्ट तब फेल हो जाएगी जब वन अपॉन एक्स इज टू वन आ जाएगा। तो देखिए यानी कि एक्स इज टू वन पर वन आ जाएगा, तो डी एलम्बर फेल हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे रैप्स टेस्ट। रैप्स टेस्ट में क्या करना होता है आपको पता ही है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में से माइनस वन करके उसमें एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये तो आपके पास था ही, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में से माइनस वन किया और मल्टीप्लाई कर दी मैंने एन की। तो ये सब करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपके पास मिलेगा। आप फिर क्या करिए, ऊपर से भी एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन आएगा बिकॉज पावर में स्क्वायर है।
तो यहाँ से देखिए 2 बचेगा और यहाँ पर 1/1 एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको रैप टेस्ट अप्लाई करना है तो एन के प्लेस पे इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी जब हम रख देंगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 4/2 का स्क्वायर यानी कि 4/4 1 आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि 1 पे भी टेस्ट फेल हो जाता है, तो देखिए ये 1 पे भी फेल हो रहा है, रैप्स टेस्ट भी आपका फेल हो चुका है, दोनों टेस्ट अब फेल हो चुके हैं। अब हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन टेस्ट, इसी वजह से हम अप्लाई करना पड़ रहा है मुझे अब डी मॉर्गन टेस्ट। तो आपके पास तो देखिए एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 में से आपको फिर से माइनस 1 करना पड़ता है, तो फिर से माइनस 1 करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा। जब ये हो जाती है सॉल्व, फिर इसको मल्टीप्लाई करनी होती है लॉग एन से, तो देखिए बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग एन। अब आपको रखनी है एन के प्लेस पर इन्फिनिटी, तो रख देते हैं एन के प्लेस पर इन्फिनिटी, और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एन स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 1/n की पावर 2, यहाँ से सॉल्व हो गया सिर्फ यहाँ एन बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, 1, तो ये एन आप इसके साथ लीजिए लॉग एन अपॉन एन। और आपको पता होना चाहिए लिमिट अगर आप इन्फिनिटी ले रहे हैं तो लॉग एन अपॉन एन की वैल्यू 0 की इक्वल होती है, और लिमिट इसके पे में भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो देखिए 0 हो जाएगी, भले इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही हो, किसी की वैल्यू अगर उसके साथ 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो 0 हो जाता है। 0 हालांकि कुछ होता नहीं है, लेकिन ये तो 0 का मतलब है कि वो 1 से छोटा ही रहा होगा कुछ और टर्म्स, तो इस 0 आया है क्योंकि 1 नहीं है, 0 हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 1 से छोटा है। तो बाय डी मॉर्गन टेस्ट हमें ये पता लग रहा है कि यू एन डाइवर्जेंट होगा x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, 1 से छोटा है यानी कि डाइवर्जेंट होता है, मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा है। तो आपका फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है कि x अगर 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट तब होगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगी। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।